एक बार करके तो देखते हो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो। तो नाराज मत हो, ट्राई करके देखते हैं क्या हो गया। मैं मेरा दिल ना तुम्हारी तरफ से बहुत ज्यादा इमोशनल है। मैं बहुत बहुत कंट्रोल करती हूँ तुम्हें लेके कि तुम। जयवाजी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि एक रोहन है, लखनऊ से आया था, उसकी गर्लफ्रेंड थी अनीता जो कि नहीं रही है। अच्छा, वही तो रोहन है ना जो जानते हो ना तुम। तो एक बार तुम भी तो उससे मिले थे, बात कर रहे थे जब वो बोला था। हाँ, 6-7 महीने पहले की बात है। वो दोबारा आ रहा है मिलने, तो इसलिए मैं कैमरा लगवा रही हूँ। और तुम भी मतलब यहीं रहना, ठीक है, रूमी पर रहना, जाना नहीं। वो जो भी आएगा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आ रहा है, तो इसीलिए मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। तो अभी उसको टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगी। तो हाँ, दिल्ली आ चुका है वो, दोबारा अब कह रहा था कि मिलने आना है। आने वाला दिल्ली आ गया, मतलब आने वाला है। तो 15-20 मिनट लगेगी, आधा घंटे के समथिंग लगेगा। तो आता है तो देखते हैं क्या फिर दोबारा क्यों मिलना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसलिए मिला नहीं। तो मिलता है बाकी। A few moments later. खोलो तो रविरंजन, देखो रोहन होगा शायद। हाय, कैसे? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। बैठो। बैठिए। कुछ पानी, चाय, ठंडा कुछ लेके आऊँ? नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। पानी तो लेके आती हूँ। ठीक है, कोई ठीक है। और बताइए कैसे हैं? ठीक हूँ। परेशानी तो नहीं हुई आने में? बाहर इसलिए नहीं मिल पाई। क्या परेशानी? बाहर इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है और थोड़ा कोल्ड हो रहा है ज़्यादा। हाँ, दवाई ली थी। काफी तबीयत खराब है। सब ठीक, सब सही चल रहा है? सब सही है। बोलो, सब ठीक है घर पे? घर पे तो सब ठीक है, बस ऐसे ही मिलने का मन हुआ। काफी ज्यादा टाइम हो गया मिले हुए। काफी ज्यादा ही हो गया। बात भी करनी थी मुझे आपसे कुछ। बोलो। कुछ नहीं, बस ठीक हो गया। मतलब थोड़ा माइंड अलग हुआ, थोड़ा माइंड सेट हुआ है? नहीं हुआ? मूव ऑन किया थोड़ा बहुत या नहीं किया? हुआ तो, बट उतना नहीं हो पा रहा, तो इसी चीज़ को लेके आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि मतलब बैठ सकता हूँ ना? हाँ हाँ बैठ सकते हो। वही मतलब मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मतलब मूव ऑन नहीं हो पा रहा, तो आपको देख के मुझे वही दिखती है, तो इसलिए मैं फिर दोबारा मिलने के लिए आ गया। ठीक है रोहन, तुम मुझे हर बार इमोशनल कर देते हो, तुम्हें पता है। तुम हर बार मुझे इमोशनल कर देते हो उसका नाम लेके, और मैं भी मजबूर हो जाती हूँ कि मैं उसकी तरह दिखती हूँ। वो चीज़ तो है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे आपसे ज़्यादा मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि वो ही मेरे पास आ गई। लेकिन मैं वो नहीं हूँ रोहन, इस बात को एक्सेप्ट करो। मैं वो नहीं हूँ, मैं उसकी तरह दिखती हूँ। कोशिश बहुत करिए बट नहीं हो पा रहा, तो इसी को लेके मतलब हम एक साथ हो सकते हैं अगर। ऐसे कैसे? हम मैंने पहले भी बोला था कि हम एक साथ नहीं। बोली थी मैंने, बहुत कोशिश करी बट मुझसे नहीं हुआ। मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर रहना होता तो हम पहले ही एक साथ रह लेते। हम नहीं रह सकते एक साथ रोहन। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, बट हम नहीं रह सकते बस। यार मुझे मतलब आपके साथ एकदम ऐसा पीछे क्यों हट रहे हो? मुझे थोड़ा अलग, पहली बार थोड़ी मिल रहे यार आप ऐसे कर रहे हो। मुझे थोड़ा अजीब होता है ऐसे, तो दूर होके ही बात कर लो थोड़ा। ठीक है, मैं टच वच नहीं करता, बट क्या ट्राई करते हैं ना, मतलब मेरे से नहीं रहा जा रहा, मतलब मैंने बहुत कोशिश करी। कोशिश तुम्हारी जब तक कामयाब ना हो तब तक कोशिश वो पूरी नहीं हो पाती, तो इतनी कोशिश करो कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या जरूरत पड़ी है नहीं उस चीज को याद रखने की जो तुम्हें हर्ट करे? यार चीज मतलब नहीं रहा जा रहा ना, तो क्या हो गया? एक बार मतलब कोशिश करते हैं, अच्छा चलेगा। तुम अच्छे से कोशिश करो, बट यार हाथ तो मत छोड़वाओ। हाथ पकड़ने से क्या होगा, तुम्हारी फीलिंग्स बढ़ेंगी, तुम्हारे को और हर्ट होगा मुझसे दूर जाके। हर्ट कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। थोड़ा दूर से बात करो, मुझे डर लगता है ऐसे, मुझे अजीब लग रहे हो, पहली मुझे बार थोड़ी मिल रहे हैं। देखो इतनी देर में तो ना मैं मार मूर के अलग कर देती हूँ, चाटा वाटा मार के। लेकिन मेरा दिल ना तुम्हारी तरफ से बहुत ज्यादा इमोशनल है।
मैं बहुत बहुत कंट्रोल करती हूँ तुम्हें लेके कि तुम्हें बुरा ना लग जाए, क्योंकि तुम पहले से इतने ज़्यादा टूटे पड़े हो, इतना ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम हुई है लाइफ में कि मैंने वो चीज़ ठीक है बट संभल पाने के लिए मुझे आप में वो दिखी तो मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी, तो मना तो मत करिए ऐसे। तुम मिलने, हमारा मिलना ही सही नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। ऐसा मत बोलिए, मतलब हम ना मिले तो सही रहेगा, सच बता रही हूँ। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा। रोहन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ, तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ ये बताओ। तुम्हारे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि जब मैं मना कर रही हूँ उसको भूल जाओ, मुझे भी भूल जाओ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है वो लड़की। नहीं हो सकता ना, तो मैं क्यों आता इतना आपके पीछे, आप भी बताइए। नहीं हो सकता तो क्या, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे भी तो समझ में आना चाहिए कि मैं समझा, मैंने बहुत कोशिश करी बट मुझे नहीं रहा गया ना। क्या नहीं रहा गया, मैंने इसलिए तो आपके पास सीधा बात। रोहन दूर से बात करो। तो हाथ क्यों हटवा रहे हो यार, क्या हो गया, मतलब नहीं रहा जा रहा तो मैं नहीं रहा जा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, किसी को जबरदस्ती से नहीं पाया जाता है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तुम जबरदस्ती ही कर रहे हो, तुम्हें 7-8 महीने हो गए समझाते समझाते, हम 6-7 महीने पहले मिले थे, उसके बाद भी तुम्हारे ये समझ में नहीं आया कि मैं तुम। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे वही दिख रही है आप में, तो मैं क्या मतलब एक बार करके तो देखते हो, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो। मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, और मैं और आज के बाद तुम मुझसे मिलना भी मत रोहन। यार ऐसा तो मत बोलो, हाँ मैंने तुमसे पहले ही बोला था, तुम दूर होके बात करो पहले, ठीक है ना, दूर होके। क्या हो गया रोहन, दूर होके बात करो, हम दोस्त रहेंगे, मैंने तुमसे पहले भी बोला मुझे था। नहीं चाहिए कोई दोस्ती ना। क्यों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्या मुझे तुम्हें मतलब एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब यही है ना, ऐसा ही है ना तुम्हारा, गर्लफ्रेंड चाहिए तुम्हें, तुम बिना गर्लफ्रेंड के रह नहीं पा रहे हो। मुझे आप में वो देखिए, इसलिए तो मैंने आपसे सीधा बोला। यार मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं इस दुनिया पे, मुझे औरों के से मतलब नहीं है, मुझे आप में मेरी अनीता देखी इसलिए मैंने बोला। तो अनीता अब इस दुनिया पे नहीं है, तुम इस बात को तो एक्सेप्ट करो, और मैं अनीता नहीं हूं। ठीक है बट मैं अनीता नहीं हूं, समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतना बोल रहा हूं, मुझसे नहीं रहा जा रहा तो फिर क्या हो गया, एक बार ट्राई कर। क्या नहीं रहा जा रहा तुमसे, मैं बात कर लेती हूं ना तुमसे कभी कभी, हां माना 7-8 महीने में बात रहने में बहुत अंतर है रोहन, मैं साथ नहीं रह सकती, दूर होके बात करो। दिक्कत क्या है? नहीं मैं साथ नहीं, मैं साथ नहीं रह सकती, बस इतना है और कुछ नहीं है। देखो नाराज मत हो, ट्राई करके देखते हैं क्या हो गया, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। सब लोग लड़के यही बोलते हैं पहले स्टार्टिंग में कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, क्या चेंज है तुम्हारे में जो और लड़कों में होता है, यही होता है ना, जिसे मैं खो दिया उसे नहीं भुला पा रहा, तो तुम में सोचो तुम्हें कितना प्यार करूंगा यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो वही तो सोच रही हूँ मैं, अगर तुमने उसे तुम उसे नहीं भुला पा, हाथ क्यों छुड़वा रही हो बार बार, तो हाथ पकड़ रही हो क्या, कोई मिले हैं हम पहले भी, मिले हैं सिर्फ, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ इतना अच्छे से। चीज आपको पहले भी बोली थी। क्या बोला था, तुम थोड़ा दूर होके बात करोगे पहले, दूर होके। यार क्या हो गया, मतलब दूर होके बात करोगे, थोड़ा बोलो तुम्हें क्या बोलना है। हम इसके बाद मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, हम इसके बाद रोहन नहीं मिलेंगे, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। ऐसा तो मत बोलो, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा रोहन, हम इसके बाद नहीं मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हार को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि तुम अलग हो मैं मानती हूँ, तुम उस लड़की को नहीं भूल पा रहे हो जो तुमसे प्यार करती है, तो तुम जिसे चाहते हो तो तुम उसे भी बहुत प्यार करोगे, मैं जानती हूँ इस बात को। मैं प्लीज मना मत करो, देखो कोशिश करते, क्या हो गया मतलब। दूर से रोहन, दूर से बात करो यार, दूर से रोहन, मुझे अजीब हो रहा है, मेरे को घबराहट हो जाएगी, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें लेके, मैं इतने में ना रोहन, मैं सच बता रही हूँ, इतने में मैं चांटा मार देती हूँ, इतने में मैं मार देती हूँ लड़कों में चांटे, पर मैं तुम पे हाथ उठा नहीं पाती, पता नहीं क्यों नहीं उठा पाती, मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि जो तुम्हारी स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा दिल को तोड़ देने वाली है, तुम जिससे प्यार करते थे वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं, तभी तो मैं आपके तो उसे भूलो ना, मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार, मुझे मिलके आप में वही देखिए, मेरे को लगाव हो गया बहुत ज्यादा, नहीं रहा जा रहा ना यार, हाथ तो मत छोड़ो ना, हाँ दूर करो रोहन, हटो तुम जाओ यहाँ से प्लीज, नहीं मिलेंगे रोहन, नहीं रह पाऊंगा प्लीज, ऐसा मत। तुम और तुम दोबारा दिल्ली नहीं आओगे, तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना तुम्हारे यहाँ पे, सिर्फ आपके लिए आता हूँ बट तभी कह रही हूँ। हाँ तो तुम दिल्ली दोबारा नहीं आओगे, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगी अब, तुम ना दिल्ली आओगे, तुम ना तुम्हें उसकी याद आएगी ना तुम्हें मेरी याद आएगी, ठीक है। मैं नहीं, अगर तुम्हें दो तो मुझे पता है, और मुझे पता है तुम अब दोस्त भी नहीं आ रही है, क्यों हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे, अब समझ में आ रही है तुम्हें, हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे, तुम्हें दोस्ती तुमसे वास्ता ही नहीं रखना चाहती, प्यार से रहना था तुमसे, प्यार से बोलो कि तुम दोस्ती रख लो, प्यार से ले लो, तुम्हारे इतना समझ नहीं आया, आ रही मेरी बात समझ में। यार देखो मैं प्यार से बोल रहा हूँ प्लीज, खामा खा का मुझे ऐसा मजबूर मत करो, तुम दोबारा फिर इसीलिए आए हो इतना अपना टाइम वेस्ट करके, इतना यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है, मैं तुमसे बोलने आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझसे नहीं बोला जाएगा, छोड़ो यार रोहन, छोड़ो प्लीज छोड़ो, हम
बाद में मिलेंगे, हम बाद में मिलेंगे, तुम अभी बैठो ना, अभी तुम जा नहीं रहे हो ना, हम बाद में मिलेंगे, बात करते हैं, बैठो ऐसे। नहीं, मैं मेरे को ऐसे टच करके मेरे से बात नहीं होगी, तुम टच मत करो मेरे से, टच करके ऐसे बात नहीं होगी। अगर तुमसे दूर से बात करनी, और तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात करनी नहीं है, समझ में आ रही है, तुम्हें वही घिसी पिटी बातें, सॉरी तुम्हारी बातों को मैं ये नहीं बोल रही, पर तुम्हारी वही दोबारा की तुम मेरे रिलेशन में आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम उसको भूल नहीं पा रहा। मैं तुम्हारी सारी बातें जानती हूँ, ए टू जेड मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। हाँ, मैं जान चुकी हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं प्यार से बोल रहा हूँ? रोहन, ऐसे जबरदस्ती का प्यार क्या, जबरदस्ती कर रहा हूँ? बैठ बैठ जाओ, तुम जबरदस्ती का प्यार नहीं होता। या फिर सुनो मेरी बात, हम बाद में मिलेंगे, तुम कल आना, ठीक है? क्यों, दिक्कत क्या है? कल आना, अभी थोड़ी मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, तुम कल आना, वरना मैं, मेरी तबीयत ज्यादा, बैठो बैठो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तुम कल आ जाना प्लीज। नहीं, ठीक हूँ मैम, ठीक हूँ मैम, हम कल मिलेंगे, तुम अभी जाओ प्लीज। यार ऐसा क्यों कर रहा हूं, हम कल मिलेंगे। रोहन सुनो मेरी बात, अभी तुम जाओ, हम कल मिलते हैं, तुम कल आना, ठीक है? थोड़ी मेरी तबीयत सच में बिगड़ रही है, तो हम कल मिलते हैं, बाय। तो मैं कल पक्का आऊंगा। हाँ ठीक है, तुम कल आ जाना, हम कल मिलेंगे, अभी जाओ तुम प्लीज।